गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है नाउन नंबर। व्हाट इज नाउन नंबर? तो नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। तो आप सबसे पहले पर्सन देखिए, पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन इस दुनिया में तीन प्रकार की होते हैं। नंबर पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या है आपका? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा है स्पीकर होता है, यानी कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। और हमारा सेकंड पर्सन क्या है? लिसनर होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। और से अबाउट अदर पर्सन वो हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात किया जाए। तो फर्स्ट पर्सन में जो है कि सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, और सेकंड पर्सन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, और थर्ड पर्सन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, यूज पढ़ना है। तो हमारा जो आई और वी है ए फर्स्ट पर्सन, आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो आई नेचर में सिंगुलर है, आई नेचर में सिंगुलर है, आई हमारा क्या है? नेचर में सिंगुलर है, बट यूज में क्या है? प्लूरल है। और वी जो है नेचर में प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल है। तो आप कह सकते हैं कि सर आई जो है नेचर में सिंगुलर है बट यूज में क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है। और आई जो है एक ही जगह सिंगुलर होता है, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही साथ केवल आई के साथ जो है कि वाज लगता है, मतलब आई यहाँ ही सिंगुलर होता है और बाकी किसी भी टेंस में आई सिंगुलर नहीं होता। और यू जो है नेचर में सिंगुलर है, यू नेचर में सिंगुलर है बट यूज में क्या होता है? प्लूरल है। तो मैं जैसे मैं कहूँ यू, यू मतलब आप होता है, तो कोई व्यक्ति एक रहेगा तो सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल होता है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, मैं उसको आप, मैं एक व्यक्ति को मैं डिनोट कर रहा हूँ तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा, बट यूज में क्या होता है? प्लूरल होता है। और जो हमारा यूज ये यू है ये भी नेचर में प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल है। जैसे मैं कहूँ आप लोग तो ये नेचर में प्लूरल है, मैं केवल कहूँ आप तो ये नेचर में सिंगुलर है। तो इस सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है। और हमारा ही सीट नेम, ही सी इट नेम, ये नेचर में क्या होता है? सिंगुलर होता है और आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। और ही सी इट नेम, इन चारों का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। और ये नेचर में क्या होता है? प्लूरल होता है और यूज में भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो मैं आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं तो पर्सन इस दुनिया में तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन से अबाउट द अदर पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है, और वी नेचर में क्या होता है? प्लूरल होता है और यूज में भी प्लूरल होता है। और जो हमारा सेकंड पर्सन यू है, जैसे मैं कहूँ यू, केवल एक व्यक्ति को डिनोट क्यों बोलूँ कि यू आप, तो आप नेचर में सिंगुलर है बट यूज में ऑलवेज प्लूरल होता है, और यू प्लूरल भी होता है। जैसे मैं कहूँ आप लोग तो ये यू प्लूरल हो जाएगा और प्लस यूज में भी प्लूरल रहेगा। और ही सीट नेम क्या होता है? नेचर में सिंगुलर है और यूज में भी सिंगुलर है। और ही सीट नेम का प्लूरल दे होता है, नेचर में प्लूरल होता है और यूज में भी प्लूरल होता है।
तो आप कह सकते हैं सर कि आई वी यू को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ क्या है, थर्ड पर्सन है, सब कुछ क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।